हेलो एवरीबॉडी, होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हमारे सामने में एक इस तरीके का पजलिंग क्वेश्चन है जिसको देख के तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपके बेसिक्स हिले हुए हैं तो इस कंसेप्ट को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आइए जानते हैं, आज का जो हमारा सीरीज है वो थर्मोडायनामिक्स पे बेस्ड है और आज हम थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत ही फ्रिक्वेंटली नीट में, जेई में आते रहते हैं और अगर आपने छोटी मोटी भी प्रॉब्लम्स के कंसेप्ट को गलत किया तो बहुत ही ज्यादा ड्रेस्टिक चेंज आपके आंसर में आ सकता है। तो देखते हैं, अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएगा, अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अब सोचिए कि सवाल क्या है। ये क्वेश्चन जो मैंने दिया है दैट इज सिंपली रिलेटेड टू थर्मल एक्सपेंशन। ये मैंने थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम दिया है। आप सभी लोगों ने निश्चित रूप से पढ़ा होगा क्योंकि जब हम हीट और कैलोरीमेट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहला ही चैप्टर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। अब माय डियर फ्रेंड, अब प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमारे पास एक रॉड है एल नॉट लेंथ का। कितने लेंथ का? एल नॉट लेंथ का। मेरे मन में चाहत जागी कि मैं इस एल नॉट लेंथ को बढ़ा के 4L0 कर दूंगा। इस लेंथ को बढ़ा के मैं क्या करूंगा, 4L0 कर देना चाहता हूं। अब सोचिए कि अगर किसी भी बॉडी का लेंथ आपको बढ़ाना है तो क्या मुझे उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल साइंस है कि इफ यू वांट टू इंक्रीज द टेम्परेचर देन ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, बॉडी क्या हो जाएगा आपके पास, एक्सपैंड होगा। मतलब जनरली की बात कर रहा हूं मैं, अगर उसका अल्फा का वैल्यू जो है जनरली पॉजिटिव है तो उस केस में क्या बोलेंगे कि बॉडी आपके पास एक्सपैंड होगा। तो अगर मैं इस लेंथ को इस लेंथ में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। अल्फा कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दिया गया है। यू हैव टू टेल मी हाउ मच टेम्परेचर वी हैव टू इंक्रीज फॉर चेंजिंग इन लेंथ फ्रॉम एल नॉट टू 4L0। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सबसे पहले 2 मिनट का पॉज लीजिए, स्क्रीन को पॉज करें और आप सोचिए कि क्या ये प्रॉब्लम आप बना सकते हैं क्या। बिल्कुल मेंस टाइप सवाल है, नीट में भी बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। सोचिए, अब सोचिए कि अगर आप इस प्रॉब्लम को बनाने जाएंगे तो सबसे पहले इसका पहला थॉट आपके दिमाग में क्या आएगा। पहला थॉट जो कि आपके दिमाग में आना चाहिए और मेरे भी दिमाग में आना चाहिए और आता भी है, लोग बोलते नहीं है लेकिन ये बिल्कुल आ सकता है। आप बोलेंगे सर देखिए, मुझे पहले से पता है कि जो भी हमारे पास लेंथ बढ़ाने के बाद जो फाइनल लेंथ आएगा वो हमेशा होता है इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्या ये फॉर्मूला सबको पता है क्या? L फाइनल इक्वल टू L इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो इसमें मैं करना क्या चाहता हूं कि अगर आप इसको देखोगे तो कुछ ऐसा आएगा L अल्फा डेल्टा टी इंटू इनिशियल लेंथ। तो ये पूरा पिक्चर किस तरीके से आया है कि अगर आपको कभी कोई फाइनल लेंथ पूछेगा तो इनिशियल लेंथ में कितना जोड़ना पड़ेगा, अल्फा डेल्टा टी इंटू इनिशियल लेंथ, और इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन लेंथ। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज सिंपली चेंज इन लेंथ, जिसको डेल्टा एल बोलिए या अगर आप बोलना चाहते हैं तो डीएल बोलिए। मतलब जो डीएल होगा आपके पास अल्फा डेल्टा टी इंटू एल, और यहां पे याद रखिए कि एल मैं किसको ले रहा हूं, एल वी आर टेकिंग इनिशियल लेंथ। अब यहां पे बच्चे तुरंत में 1 मिनट में क्या बोलेंगे, ये तो बहुत ही आसान है, पहले एल नॉट का लेंथ था अब 4L0 आ गया है तो जो टोटल चेंज इन लेंथ आया है दैट इज 3L0। बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे। और यहां पे जैसी 3L0 का आपको पता चला आप कुछ नहीं करोगे, सीधे यहां पे 3L0 का वैल्यू पुट कर दिया, अल्फा हो गया, डेल्टा टी आपको नहीं पता है, निकालना है कितना इंक्रीज इन टेम्परेचर हुआ है और लेंथ जो है कितना हो जाएगा, एल नॉट हो जाएगा। क्या एल नॉट ने एल नॉट को मार दिया और यहां पे जो आपके पास डेल्टा टी हो जाएगा वो 3/α हो जाएगा। अगर आपने भी ये किया है और बहुत ही क्विकली किया है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए 3/α। क्या होना चाहिए, 3/α। और देखिए यहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, ये 3/α गलत सॉल्यूशन है। ओह नो, ये गलत है। यस यस, 100% ये गलत है। क्यों गलत है माय डियर फ्रेंड? ये जो फॉर्मूला आपने इस्तेमाल किया है ना, इस फॉर्मूले के यूज करने के कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। और इस फॉर्मूले के रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला देन वन कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर द स्मॉल लेंथ इन द चेंज, ए स्मॉल चेंज इन द लेंथ। अगर बहुत ही छोटा सा चेंज है लेंथ में ना, तभी जाके आप ये जो इंस्टेंटेनियस चेंज इन लेंथ वाला फॉर्मूला
लगा सकते हैं, अदरवाइज यू कांट, यू आर नॉट एबल टू अप्लाई दिस फॉर्मूला वेरी फ्रीक्वेंटली इफ देयर इज द फाइनाइट चेंज इन द लेंथ, बिकॉज हियर यू कैन इजिली सी द चेंज इन लेंथ इज वेरी वेरी लार्ज, एल नॉट टू फोर एल नॉट मीन्स कि इफ वी हैव 1 मीटर रॉड देन वी हैव टू मेक इट 4 मीटर रॉड, देन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड इज 3 मीटर. सो फॉर दिस अमाउंट ऑफ द बिग चेंज, फाइनाइट चेंज इन द लेंथ, वी कैन नॉट सिंपली अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. सो दिस इज द रॉन्ग सॉल्यूशन जो बच्चे बहुत जल्दी समझ नहीं पाते हैं, उनके दिमाग में रहता है और कटाक से मारते हैं सर और उनका कट जाता है. आपका न कटे इसके लिए इस फॉर्मूले को देखिए कि किस तरीके से इस सवाल को बनाया जा सकता है. अगले पेज पे चलते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि हमें पता है कि डीएल इक्वल टू क्या होता है, अल्फा डी टी इंटू एल, और ये एल इनिशियल है. तो आप डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, बिकॉज यहां पे चेंज क्या है, यहां पे चेंज बड़ा है. तो सर कैसे करेंगे, इसको इंटीग्रेशन के थ्रू करना पड़ेगा. आपने एल को इधर ले आया और आपने अल्फा डेल्टा टी को इधर ले आया. अब सोचिए कि अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो कैसा हो जाएगा, डीएल बाई एल को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या एल एन एल हो जाएगा क्या, बिल्कुल. और आप इसको इंटीग्रेट कहां से करोगे, आपको इनिशियल लेंथ एल नॉट था तो फाइनल लेंथ आपके पास 4 एल नॉट करना है. और अगर यहां पे आप T1 टेम्परेचर लोगे तो यहां पर टेम्परेचर T2 हो जाएगा. और बहुत ही आसानी से अगर आप देखोगे तो यहां पे मैं डेल्टा टी हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि डेल्टा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा. आप इसको डी टी के टर्म में ले लीजिए तो आपके लिए ज्यादा आसान होने वाला है. ठीक है क्या, ऐसे से कुछ खास फर्क नहीं है अल्फा डी टी. तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपके पास एल नॉट से लेके 4 एल नॉट तक इंटीग्रेट करेंगे, अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया और डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा. और ये T1 से लेके T2 तक आप इसका लिमिट पुट कर सकते हैं. जैसे आपने अब लिमिट का वैल्यू डाला माई डियर फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा एल एन और ये हो जाएगा 4 एल नॉट. ठीक है क्या, माइनस एल एन एल नॉट. कैलकुलेशन में थोड़ा लंबा ही कर देता हूं क्योंकि मुझे भरोसा थोड़ा कम है जनता पे. तो यहां पे क्या हो जाएगा T2 - T1. तो यही तो आपके पास डेल्टा टी है ना, जो वी आर सिंपली इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट. तो यहां पे डेल्टा टी आपके पास क्या हो जाएगा एल एन, और एल एन ए माइनस एल एन बी क्या एल एन ए बाई बी, और एल एन ए बाई बी करेंगे तो एल एन 4 हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा. तो कितनी आसानी से आपने देख लिया कि ये जो आपके पास टेम्परेचर चेंज है वो एल एन 4 डिवाइडेड बाई अल्फा होने वाला है. क्यों चौंक गए ना, हाँ पहली बार जब मैंने देखा था तो मैं भी चौंक गया था जब मैं आपकी तरह बचपन में पढ़ता था. क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जनरली जब इस फॉर्मूले को डिराइव किया जाता है तो आपने देखा होगा कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लेंथ इन चेंज के लिए डिराइव किया जाता है. इसलिए तो DL लिखा जाता है, छोटा सा चेंज इन लेंथ. लेकिन आप इस बात को ध्यान नहीं देते हैं और फिर मजे मजे में आपने जो पहला मेथड मैंने कराया उस तरीके से कर देते हैं. तो फर्स्ट थॉट, पहला प्यार आपको जरूर याद रहना चाहिए, लेकिन ये पहला थॉट जो मैंने यहां पे दिया है वो याद नहीं रहना चाहिए. क्यों, क्योंकि ये पहला थॉट सही नहीं है, दिस इज द रॉन्ग सॉल्यूशन. तो दिस इज द राइट सॉल्यूशन, इसका आंसर आने वाला है ln 4 डिवाइडेड बाय अल्फा. और आप देख सकते हैं इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है और इसी तरीके के ऑप्शन सेट किए जाते हैं ताकि बच्चे सोच नहीं सके. अगर इसमें ln का ऑप्शन रहता तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्लिक कर सकता था. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत है, आंसर हो जाएगा नन. एवरीबडी क्लियर, गॉट इट. तो इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए और मैं आगे भी इस तरह की वीडियो लाते रहूंगा और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो जनरली बच्चे करते रहते हैं उसको मैं ठीक करता रहूंगा. अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें.